कितने बच्चे हैं पेट में? प्रेग्नेंट है गाइस ये। मैंने चाय और बर्गर बना दिया, ये देखिए, मतलब ये होममेड बर्गर है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रोहित एंड सोनी व्लॉग्स। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस सुबह के 11 बजे से। फिलहाल मैं आ चुका हूं अपने घर पे और आज घर वालों से मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई क्योंकि 2 महीने बाद मिल रहा हूँ और मम्मी भी गाइस पीछे बैठी है मेरे, तो मम्मी खुश हो मैं आ रखा हूँ। तो फिलहाल यार अभी क्या करने वाले है ना, अभी मैं जाने वाला हूँ अपने फ्रेंड लोगों से मिलने। गाइस मेरे साथ आ रखा है यहाँ पर दोस्त मिलने के लिए, तो ये रहा मोटा। कितने बच्चे पेट में? प्रेग्नेंट है गाइस ये। गाइस इस चुन्नू सी बच्ची बहुत प्यारी बच्ची है हमारी, और यहाँ पर दोस्त और मम्मी की बातें चल रही है। हेलो चुन्नू बेबी। गाइस सब डॉगी पालते हैं और हमने बिल्ली पाल रखी है, ये भी हमारे वहाँ ऐसी आई थी बड़ी बड़ी। हमें ना किस मतलब बच्चे पालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। मैं डॉगी भी आया था, वो भी ऐसे आया था हमारे वहाँ। वो हमारे वहाँ कितने साल रहा? 6-7 साल रहा। गाइस डॉगी भी हमारे वहाँ एक बड़ा बड़ा आया था टाइगर, बट वो आखिरकार मर गया घर के अंदर ही। फिर हमने उसका अच्छे से अंतिम संस्कार किया क्योंकि हम अपने जानवर से बहुत प्यार करते हैं ना। मोटे कल कैंपिंग में जा रहे हैं ना हम, बता नहीं जा रहे। भाई बस सच्ची बता दे, मैं नहीं जाऊंगा फिर। कैंसिल। सो गाइस कल जाने वाले हैं कैंपिंग के लिए, तो अभी से तैयारी आ रही, पैकिंग टुकिंग करनी है क्योंकि खाना वाना सब मोटा ही बनाएगा, शेफ है गाइस, तो ये कल जो भी खिलाएगा कैंपिंग में देखते हैं क्या क्या बनाएंगे। और कल हम जाने वाले हैं गाइस नैनीताल, लोकेशन अभी हमने भी हैव नॉट डिसाइडेड। मैंने चाय और बर्गर बना दिया, ये देखिए, मतलब ये होममेड बर्गर है, बाजार के बर्गर तो आपने खाए होंगे, और ये रही हमारी चाय। यार घर आके ना मतलब घर आके बहुत चीजें खाने को मिल जाती है, स्नैक्स वगैरह। वहां तो भूख लगती भी है बट देहरादून में यह है कि हाँ बनाने का मन नहीं करता, फिर इतना सारा अपने पास सामान नहीं रहता कि ये बना दे वो बना दे, तो यहाँ पर मम्मी ले आई है अपना स्नैक्स वगैरह, तो जल्दी से स्नैक्स वगैरह करते हैं। हाय हेलो हेलो से हेलो। राइट नाउ द टाइम इज 1 PM और अभी हम लोग चाय वाय पी के बस बैठे ही थे, आपको दिखाया कि यार मम्मी ने आज बर्गर वगैरह बनाया था। सो राइट नाउ आई एम गिविंग यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर द टुमारो ट्रिप। सो गाइज जो मेरी नई जर्नी है वो एक सीरीज में आएगी और सीरीज के अंदर काफी ज्यादा एपिसोड्स होंगे, हर एक एपिसोड अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि आपको फर्स्ट एपिसोड देखना है सेकंड देखना है, आप कहीं से भी शुरू करोगे, थर्ड एपिसोड देखोगे, फोर्थ एपिसोड देखोगे, दैट विल बी अ न्यू और काफी ज्यादा आप इंजॉय करोगे। और इस में हम क्या करने वाले हैं वो आपको हल्के हल्के पता चलते रहेगा, बट दिस इज माई न्यू एक्सपीरियंस एंड दिस विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल माई व्यूअर्स। तो फिर सपोर्ट चाहिए गाइज, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो गाइज अभी मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता ही रहा था कि यार मेरी जो नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो सेम चैनल में स्टार्ट हो रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ना पीछा नहीं छोड़ रही है, आज मैं काफ़ी दिनों बाद घर आया हूँ ना, तो सी इज़ वेरी लविंग गाइज। तो फिलहाल यार मैं आपको ये कुछ कहना चाहती, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। गाइज बातें करती है ये, शी इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये ना मतलब व्लॉग बनाते बनाने नहीं दे रही भाई, क्या चाहते हो? ओ भाई काट दिया था इसने, क्या हुआ भाई, क्यों आई और एंग्री भाई, मुझे डर लग रहा है इससे, इसने हाथ पे काट दिया था अभी। चल निकल ले, मेरे से बात मत करना, इसको इंपोर्टेंस भी नहीं मिल रही ना, मैं कैमरे के आगे बात कर रहा हूँ, सो शी इज़ फीलिंग लाइक दे आर इग्नोरिंग मी। तो फिलहाल अब थोड़ा बाहर घूमते हैं और आपको दिखाते हैं वेदर कैसा हो रहा है फिलहाल, और अभी तक धूप नहीं आई है, मैं सोच रहा था धूप आ जाएगी, लेकिन बाहर चलते हैं और थोड़ा मार्केट वार्केट घूमते हैं और आपको रामनगर के सिनेमेटिक चेक कराते हैं गाइस।